कोरोना महामारी के बीच देश में लॉकडाउन क्या लगा, देश भर में ऑनलाइन पढ़ाई जमकर होने लगी। लेकिन इस तरह की पढ़ाई कारगर है भी या नहीं, इस पर किसी को सोचने का मौका ही नहीं मिला। अभी हाल ही में निजी क्षेत्र के अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षा के भ्रम पर कुछ जमीनी अध्ययन किया और इस अध्ययन में जो निकल कर सामने आया उससे पता चला कि शिक्षा की ये प्रणाली तो इफेक्टिव है ही नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 60% से ज़्यादा बच्चों के पास इस तरह की शिक्षा के लिए डिवाइसेज ही उपलब्ध नहीं है। हाल ही में इस रिपोर्ट को बेंगलुरु में जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 60% से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ ही नहीं पाते। वहीं 70% से 90% शिक्षक और अभिभावकों ने माना कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बच्चे कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं, इसको मापने का कोई तरीका ही नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज़रूरी ऐप्स के इस्तेमाल में दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। ये समस्या डिसेबल बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार डिसेबल बच्चे ऑनलाइन शिक्षाओं में भागीदारी कर ही नहीं पा रहे हैं। वहीं इस अध्ययन के दौरान शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लास को लेकर अपनी प्रोफेशनल निराशा जाहिर की है। शिक्षकों का मानना है कि इस तरह की क्लासेस में बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाए रख पाना लगभग असंभव है। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बच्चे क्या सीख रहे हैं, इसका कोई सार्थक मूल्यांकन कर पाना भी संभव नहीं। वहीं बच्चों के माता पिताओं का मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के सीखने के लिहाज से प्रभावशाली नहीं है। दूसरी ओर हाल ही में आई विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत को 40 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। वहीं दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्कूलों के बंद रहने से 62 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। वहीं कोरोना के कारण दुनिया के 191 देशों में 175 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है और भारत में लॉकडाउन के कारण अनुमानित रूप से 32 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है, जिनमें 15.81 करोड़ लड़कियां हैं और 16.25 करोड़ लड़के शामिल हैं। इस रिपोर्ट का उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बच्चों और शिक्षकों के अनुभवों को समझना था। इस रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से ली जाने वाली क्लासेस एजुकेशन के लिहाज से अपर्याप्त और अप्रभावी पाई गई। अध्ययन में यह भी पाया गया कि ज्यादातर अभिभावक जरूरी सुरक्षा इंतजामों के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी तैयार हैं। कोरोना के कारण ब्रेक लगे एजुकेशन सिस्टम पर आपका क्या सोचना है? क्या आप ऑनलाइन क्लासेस को बच्चों के लिए सही मानते हैं या नहीं?